बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। रास्ता करते हुए साइड से प्रणाम करें, सब लोग साइड से प्रणाम करें। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग बैठे पीछे, ये खाली कर दे पूरा, सभी खाली कर दे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृधस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो प्रकादस्वामरुतः वृष्णिमातिराशुवञ्जावानो विदधे कुयग्मया अग्निर्जवः मन्वः शूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवशागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभृजत्रः तीरङ्गैतष्टवागुंसस्तनो भर्वशेमहि देवहितं यदायोः सतमिन्न सरदो यन्ति देवा यत्रा न शक्राः जर्षं तनो नाम पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मुद्यारीरकदारिगन्तोः अदितिद्योरदतिरन्तरक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः वञ्जयणः अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मा द्योः शान्तिरन्तरक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्तिब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजमणिकृशानं ज्ञाननामगृह्यं शकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। बोलिए बागेश्वर धाम की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बालाजी सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, वस्ती नगर की, संत समाज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ ब्राह्मणों के श्री चरणों की, भारत भूमि की जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले बागेश्वर धाम की। आप सभी से निवेदन है, जो यहां खड़े हैं सभी लोग बैठ जाएं प्लीज, पीछे जाके बैठिए, ये खाली कर दें पूरा। आप भी यही साइड, शिष्य मंडली पूरा खाली कर दें, आप लोग भी इस साइड बैठ जाएं, पीछे केवल साउंड सर्विस ही रहेगी संस्कार वाले, बस बाकी सब आगे आ जाए। भैया आप बैठिए, सब वहीं बैठिए। वाह उस तरफ लगा लीजिए, एक वहां लगा दीजिए बेटा, बेटा उस तरफ में लगा लीजिए, उस तरफ जो जनता। हाँ ऐसे थोड़ी सी असुविधा कम होगी।
ठीक है क्योंकि अच्छा दूसरा श्री राम चंद्र भगवान की रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणम भो राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृणामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे जगद्गुरुपरम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। ओं बागेश्वराय नमः। सद्गुरु भगवान् श्री सन्यासी देवाय नमः। श्री सीताराम भगवान की गौ माता की भारत भूमि की सत्य सनातन धर्म की श्री राम नाम भगवान की श्री राम नाम भगवान की अपने अपने मताई बाप की अपने अपने मताई बाप की अपने अपने गुरु महाराज की बागेश्वर धाम की बागेश्वर धाम की बागेश्वर बालाजी की बागेश्वर धाम वाले बालाजी की बागेश्वर धाम वाले बालाजी की सत्य सनातन धर्म की श्री सीताराम भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उपस्थित आप सभी बागेश्वर बालाजी की बगिया के पुष्प बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र भक्त आज छतारी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की पावन धरा के इस स्थान पर जहाँ नौ दिवसीय श्री राघव भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की पावन रसमयी कथा की रसधारा बह रही है उस प्रांगण में परम पूज्यपाद सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की दया से दो दिवसीय दिव्य श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार आयोजित हो रहा जिसका आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस के हम दरबार में आप सभी उपस्थित हुए हैं। यत्र तत्र से बाहर से भी छतारी से कितने हैं लोकल के क्षेत्रीय भी बहुत हैं बाहर के भाई हद पार कर दी है। हाँ आप लोग हमें लगता है कि धाम से बिना टोकन वाले हो जो कई बार जा चुके वो मिल नहीं सके तो उन्होंने कहा चलो कथा में महाराज मिले ही ले हैं चाहे जैसे मिले नहीं तो गर्व पकड़े महाराज को हैं। तो क्षेत्रीय भी हैं बाहर के भी खूब समुदाय हैं रुकने के हाँ खैर दिक्कत नहीं जो भी बाहर से आते हैं ज़्यादातर हम जहाँ पर भी दास कथा के लिए हाँ बोलता है परिपक्व रूप से एक बात कह देता भैया भोजन की व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था जरूर करना क्योंकि पूरे देश से बागेश्वर बालाजी के भक्त पहुंचते हैं। बस अब चाउत का हो भोजन भी मिल रहा हो भजन भी मिल रहा हो जो है शयन भी मिल रहा हो प्राण चाउत का कथा भी सुनो रोको भी पूरी भी धमको हाँ अब का चाउत है टीवी पे भी आ रहे भी फिजूली में हाँ बताओ भाई एक रुपया खर्चानी हो रहा फेमस भी हो रहे अब का चाह। लेकिन भाई धीरे धीरे ये सुविधा थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ेगी वरना आगे चल के जो कथा आयोजक होंगे उन्हें बड़ी विपदा पड़ेगी। अभी ही बता रहे हैं कि
जो हमारे शर्मा जी हैं, इनके सुपुत्र ने खूब मेहनत की और इन्होंने मेहनत की, दोनों ने खूब मेहनत की। हमें पता लगा कि कथा के आयोजन के लिए रात को कोई बता रहा था, नया कंस्ट्रक्शन करवाया है, दो बड़े बड़े हॉल नए बनवाए हैं ताकि जितने भक्त बागेश्वर धाम की आए वो वहां रुक सकें। विचित्र बात यह है कि ये कथा आउट ऑफ में हो रही, छतारी हमें लग रहा था बुलंदशहर कोई बड़ा शहर होगा, तो छतारी बुलंदशहर लगा हुआ होगा, बड़ा शहर होगा, बहुत हाई फाई व्यवस्थाएं होंगी। और हम बागेश्वर धाम के कल रात को कई भक्त भी आए, मुंबई से भी कुछ, दिल्ली से भी आए, तो सब आए, तो यहाँ पर तो उन्हें रुकने के लिए वो ही नहीं मिले, वो क्या बोलते हैं होटल भी बगल में, फिर अलीगढ़ गए रात को ही, फिर वो अलीगढ़ गए, तब हमें पता लगा कि ये एक नगर पंचायत है। लेकिन बड़ी बात यह कि इतने छोटे कस्बे में हमारे जैसे कबाड़ी की कथा हो जावो है, विचित्र बात है भाई, बड़ी अच्छी। लेकिन ये भाव की प्रबलता देखिएगा, कितना भाव शर्मा जी का प्रबल है कि वो कह रहे आप कहो तो गुरुजी हम सब कुछ करने को तैयार हैं, ये कितनी बड़ी बात है। तो इनको खूब खूब पुनः एक बार सब लोग साधुवाद जरूर दीजिए। छोटे से कस्बे में आपने इतनी व्यवस्थाएं बना दी, क्योंकि पूरे देश से बागेश्वर धाम के भक्त पहुंचते हैं, पूरे देश से। कई ऐसे भक्त हैं जो केवल कथा के लिए पहुंचते, दरबार के लिए नहीं पहुंचते, कई तो स्वार्थी हैं ज्यादातर, दरबार को पर्चा बन जाए, चमत्कार हो जाए, कथा चाहे राम जी का लड़वा दें, चाहे रावण हैं, चाहे हनुमान जी हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है देश का जहां प्रति महीने लगभग 1,00,000 भक्त बागेश्वर बालाजी के दरबार में पहुंचते हैं, और बागेश्वर बालाजी की ऐसी दया है कि आज तक कोई भी बागेश्वर बालाजी के दरबार से खाली हाथ नहीं गया। बोले बागेश्वर धाम की। ये महिमा हमारी नहीं, बागेश्वर बालाजी की महिमा है, हम तो निमित्त हैं, हमें जैसी प्रेरणा लगती हम आपको वैसी बात करते, वैसी मार्गदर्शन देते। पर देश का अद्भुत दरबार श्री बागेश्वर धाम है, मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान निराकरण प्राप्त बागेश्वर बालाजी के दरबार में होता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, यहां तक कि राष्ट्रीय नेशनल चैनल न्यूज 18 इंडिया भी बागेश्वर धाम के दरबार पर शोध करने गया। उसने अपनी बुद्धि लगाई, अपना तर्क लगाया, उसका प्रोग्राम चलता है उनका आधी हकीकत ऐसा है हाँ, उसके प्रोग्राम के अंतर्गत बागेश्वर धाम पर गए, लेकिन अंत में वो भी नतमस्तक हुए, बोले कछु ना कछु तो है, वो कछु ना कछु और कछु नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। ऐसा दिव्य दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का है। आपके प्रश्न पूछने के पूर्व ही बिफोर टाइम लिख करके रख दिया जाएगा कि आप पूछेंगे क्या, आपकी क्षमता नहीं है कि आप हमारे पर्चे के बाहर पूछ जाएं। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। दरबार में अर्जी का लगने का मतलब है पर्चा का बनना, आप क्या प्रश्न लेकर आए, 2 या 3 प्रश्न पर्चे पर बन पाते हैं, पर अमुक अमुक मोस्टली प्रश्न जो आपके होते हैं वो पर्चे पर लिख जाते हैं, और आप जो बोलेंगे वही पर्चे पर लिखा मिलेगा, आपकी क्षमता नहीं कि काट सकें। ये 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, हमारे पूज्य दादा गुरु जिनका विग्रह ऊपर लगा हुआ है, दादा गुरु जी लिखा, वो भी 40 वर्ष तक दरबार लगाते रहे बागेश्वर धाम पर। उनके पूर्व में एक और संत हुए, वो भी दरबार लगाते रहे, 3री पीढ़ी में जो कबाड़ी आओ कहावागी को लगो। लेकिन भैया हमने आज तक अनुभव करो, हर महीना लगभग 1,00,000 भक्त पहुंचते हैं बागेश्वर धाम। कितने लोग बागेश्वर धाम गए? बहुत लोग पहुंचे, और जो नहीं पहुंचे वो पहुंच करके देखिए, स्वयंभू हनुमान जी हैं, अद्भुत हनुमान जी हैं, उनकी बड़ी महिमा है। देखिए भाई, हनुमान जी के लिए स्पष्ट लिखा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसा कौन सा काम कठिन है जो बागेश्वर बालाजी ना कर पाए, पर आपकी निष्ठा हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, तभी कृपा होगी। अब तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और गाना भी गा लें तो दोनों एक साथ नहीं हो सकत भैया, घर के कक्का जुनो ही भगवान तुम्हारे, कि आप दोनों एक साथ कर लो। नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है, जिनकी अर्जी लगे वो नियम ध्यानपूर्वक सुन लें। अर्जी लगने का मतलब है पर्चा का बनना, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद रखना है, मंगलवार की पेशी करना है, हर मंगलवार ना पहुंच पाओ
तो महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, तीन महीने में एक बार बागेश्वर धाम पर जा करके करंट डला है, ये करंट वायर है बेटा, दो महीने में तीन महीने में एक बार जा करके आप अर्जी लगा सकते हैं, पेशी कर सकते हैं। पेशी पूर्ण करना बहुत आवश्यक है, लहसुन प्याज का बंद रखना आवश्यक है। अगर आप इस नियम का पालन करेंगे तो अगर आप दरबार में रोते हुए आए तो श्री बागेश्वर बालाजी आपको हंसते हुए भेजेंगे, ये आशीर्वाद है। बोली बालाजी सरकार की। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देखकर विश्वास करें, किंचित मात्र भी आप अंधविश्वास में ना पड़े, देखकर विश्वास करें। आपने जो प्रश्न किया क्या वो पर्चे पर लिखा हुआ है, लिखा है तो ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, अपनी बुद्धि लगाएं, अपना तर्क लगाएं। जो भी महिमा है भैया बागेश्वर बालाजी की महिमा है, हम तो माध्यम है, हमारी कोई महिमा नहीं है, हम तो बागेश्वर बालाजी के चरणों के माध्यम है, हमें तो वो जो भी प्रेरणा देंगे हम आपको मार्गदर्शन देंगे। देखिए सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि हम आप मानव हैं, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। दूसरा चमत्कार यह है कि हम सनातनी हैं। तीसरा चमत्कार यह है कि हमने अपनी आंखों से बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर लिए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। बोली बालाजी सरकार की। हमने मतलब हम आप सबने बालाजी के विग्रह का, रूप का, जो बालाजी का चित्र लगा है इस तरफ है, जो दर्शन हो रहे हैं, बागेश्वर बालाजी का जो विग्रह है, स्वयंभू हनुमान जी हैं, आप स्वप्रगट हनुमान जी हैं। बड़े बड़े साध असाध बीमारी रोग, लगभग प्रतिदिन हम दरबार में रहें या ना रहें पर 1 से 1.5-2 हजार लोग पहुंचते ही हैं। प्रति मंगलवार 10 से 15 हजार-20 हजार लोग बागेश्वर धाम जाते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं। स्थान की बड़ी महिमा है, ये तो गुरु कृपा है, उन्होंने आदेश दिया कि ठीक है आप यत्र तत्र जाकर के भी दरबार लगा सकते। तो ये कथाओं में दरबार लगाने का मतलब यही है कि जो भक्त धाम पर, चूंकि टोकन नंबर सबको मिल नहीं पाता, इस बार टोकन नंबर में कौन कौन गया था, 6 तारीख को गए, कितनी कम भीड़ थी भैया, 50,000-60,000 से ज्यादा भीड़ थी, टोकन मिले 2,000 आदमन, ये दिक्कत है। तो जो भक्तों को टोकन नहीं मिल पाते सबसे बड़ी दिक्कत है, आदमी सोचने लगा हमें जाने हो तुरंत, महाराजा मिल जाने तुरंत, पर्चा बन जाने, गोली सी या घल जाने, हैं? बात सही है पर हम भी भैया शरीर हैं, हम भी मानव हैं, आपके जैसे हैं, हम कोई अलग थोड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 10 दिन का दरबार है, 15 दिन का, तो महाराज 10 दिन बढ़िया खूब मेहनत कर लो फिर आराम से सो, ऐसा तो है नहीं। शरीर है, इसे भोजन भी चाहिए, भजन भी चाहिए, हम ही बाई गुना गोटें, हम ही बाई बन्ना गाएं, ऐसी स्थिति है। हमको ही जो है दरबार लगाने, हमें यहाँ कथा करने, अपने ही राम हैं जो है यत्र तत्र की व्यवस्था देखने, तो हनुमान जी तो खूब भी देर रात। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि धाम पर जब भी जाएं, समय लेकर जाएं, जो भी महिमा है श्री बागेश्वर बालाजी की महिमा है, उनके चरणों से जुड़ें। निश्चित रूप से श्री बागेश्वर बालाजी आप सब पर कृपा करेंगे। राम नाम का जप करते हुए बैठे हैं, जिनका आदेश लगेगा हम उनकी अर्जी आज लगाते हैं, कल भी दरबार लगेगा, कल समय से दरबार प्रारंभ होगा। आज चूंकि प्रथम दिवस था तो व्यवस्थाओं में यत्र तत्र हम भी लेट हो गए, आधा घंटा लेट हम भी है, आधा घंटा है, तो कल समय से जो है 11 बजे से दरबार 1 बजे तक खूब आयोजित होगा। ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की छतारी, उत्तर प्रदेश या आसपास से जितने भक्त आए हैं सबको जो है लाभ मिलेगा, सबकी अर्जी लगेगी। जितनी प्रयास बालाजी कृपा, जितनी दास का प्रयास हो सकेगा, जितनी बालाजी कृपा करेंगे। देखिए बागेश्वर धाम देश का पहला ऐसा दरबार है जहां अर्जी निःशुल्क है, मिलना निःशुल्क है, रुकना निःशुल्क है। धाम पर दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन भंडारा भी बागेश्वर धाम पर निःशुल्क है। बोली बालाजी सरकार की। बड़ी बात यह कि लगभग 1 लाख भक्त बागेश्वर धाम पर निःशुल्क प्रति महीना भंडारा प्राप्त करते हैं, ऐसा दिव्य दरबार श्री बागेश्वर धाम का है। बात यही नहीं रुकती, भंडारा तो निःशुल्क ही है, दरबार तो निःशुल्क ही है, पर आने वाली धाम की संपूर्ण चढ़ोतरी गरीब कन्याओं के विवाह में लगाई जाती है। ये देश का पहला ऐसा इसलिए धाम है
कि कोई भी मंदिर की दान पेटी गरीब कन्याओं के विवाह में नहीं लगाई जाती चढ़ोत्री, पर बागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जहां पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोत्री गरीब कन्याओं के विवाह में लगाई जाती। जो सन 2019 और 20 में लगभग 40 गरीब कन्याओं का विवाह हुआ, जिनके माता पिता नहीं थे, जिनके आर्थिक तंगी से विवाह में रुकावटें बनी थी, उन बहन बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से संपन्न करवाया गया। पुनः में 2022 में 20 फरवरी से महा आयोजन 251 कुंडी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ प्रारंभ हो रही, और जिसमें 108 गरीब कन्याओं के विवाह करवाए जा रहे हैं। बोली बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। तो इतना विशाल आयोजन प्रारंभ हो रहा है बागेश्वर धाम पर। 20 फरवरी से 1 मार्च को महाशिवरात्रि में 108 गरीब कन्याओं का विवाह है। इन सभी महोत्सव में आप जुड़े हैं, जो यज्ञ हो रही है उसमें अगर 9 दिन आप रुकना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। 9 दिन सर्वबाधा रोग निवारण यज्ञ की जा रही है, तो उसमें भी आप सहभागी बन सकते हैं। बालाजी आप सब पर कृपा करें, मन में राम नाम का जप करें, विलम्ब ना करते हुए आइए। आज का दरबार श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में हम प्रारंभ करते हैं। हनुमान जी को प्रणाम करते हुए पूज्यपाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, पूज्यपाद प्रातः रमणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, कलयुग के राजा की जय, अपने अपने मताई बाप की जय। सीताराम भगवान आप सब पर दया करें। देखो भाई, जहां हम गलत बोलें तुरंत आप टोक दें, जहां बात समझ में न आए तुरंत टोक दें, हमारी महिमा नहीं है। जो भी महिमा है श्री बागेश्वर बालाजी की है, उनके चरणों से आप जुड़ें, राम नाम का जप करें, आज और कल दरबार लगेगा। बालाजी खूब दया करें आप सब पर। श्री सीताराम। अच्छा अच्छा, आज थोड़ा सीख कर दीजिएगा। अरे निकी जय भैया, इतना तो मोरो भजन ही नहीं है। भगवान श्री राम जय, राम जय जय राम। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सतगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय, श्या बल रामचंद्र की जय। मारे बब्बा जो भैया, बस भैया निकाल लो, हम नहीं तो इतना ही में टपक जाए भी। हाँ, ज्यादा देर कौन जी पावी। बाबा कह के लोग ही बनवा दे जा बेटा तेने। अरे भगवान, यहीं रख, इन्हें पंडित जी को दे दो। भैया उठाओ, ये कहाँ के हो, यहीं पास के गहावाना, गबाना यहीं कहीं 30 किलोमीटर। वाह, मोटरसाइकिल से धाम गए थे। वाह वाह, अरे वाह, जय हो जय हो, बालाजी की दे। वाह, अरे वाह, जय हो मैया श्री सीताराम भगवान की, जय हो मैया। अच्छा अच्छा, बालाजी बस मैया खूब खुश रहो, खूब जय जय हो बालाजी, खूब जोग जोग जबाएं बिराजो। वाह भाई वाह, सभी लोग बैठ जाएं, खड़े ना रहें कोई, सबसे निवेदन है बैठ जाएं। ऐसे आ जाओ सब। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। ठाकुर जी का है, वाह वाह, वृंदावन का, अरे वाह, जय हो बांके बिहारी भगवान की जय हो। हम आए तो लो ऐसे ही सौभाग्य है कि हम बैठे बैठे सबरे को प्रसाद और आशीर्वाद ले लें। वाह बहुत अच्छा। कोई भी बात न करें, मन में राम नाम का सभी लोग जाप करें।
हे बालाजी महाराज, शुद्ध गुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय। आइए प्रथम आदेश, जिनका भी लगे केवल वही आएंगे, जहां बात समझ में ना आए तो आप टोक देंगे, गलत अगर हम बोले तो तत्क्षण टोक देंगे। पढ़े लिखे बिल्कुल भी मूर्ख ना बने, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़े, देखकर विश्वास करें। ये आपके लिए अद्भुतता का विषय है कि आज के विज्ञान के युग में पढ़े लिखे जीवन में, और कोई बिना बताए बिफोर टाइम कैसे पर्चा लिख करके रख सकता है कि आप क्या पूछने आए। लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क, लेकिन बुद्धिमान केवल एक ही है, बुद्धिमताम वरिष्ठम श्री हनुमान जी महाराज। बोलिए हनुमान जी महाराज की। पहला आदेश है, इस लाइन से सिर पर सफेद जो रूमाल बांधे हुए हैं आप आ जाएं, और किसी को भी धाम पर, हाँ आप आ जाएं, किसी को भी धाम पर या यहां पर अपनी अर्जी ना बताएं, बागेश्वर बालाजी की कृपा में ताकत होगी, अपने आप पर्चे पर लिख करके आ जाएगा। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। बेल्ट पर्स ये दोनों नजदीक नहीं आएंगे। आप बैठा जाओ भैया, श्रीमान जी आप बैठ जाओ, इनको बैठा दीजिए, कोई रोको ब्रेक लगवाओ इनका, सुपर फास्ट है ये, बैठा लो। हाँ भैया, जय जय सीताराम भैया, वाह वाह वाह, ये तो हमीरे वाला जी आए, कहाँ से तुम ले आए भैया? अलीगढ़ पासू में है ना लाला, 20 किलोमीटर है ना, आओ तो कौन ज्यादा दूर है, तें तो 9 दिन लो, वाह बैठ जा कक्का, ज्यादा दूर नहीं है, तें तो कलेवा बांध के आए तई खा। कहां से भैया, माइक लीजिए, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। कहां से आए भैया? अलवर राजस्थान से। अरे राजस्थान से इतने का कर रहे हैं भैया, तुम्हारे राजस्थान में लगो तो दरबार होता ही, मिल लेते हैं तो दिल्ली बार ना मिलन दो मौका, उत्तर प्रदेश बार ना मौका नहीं मिला गुरु जी, वहां गए थे जी। अच्छा, किसी को अपनी अर्जी बताई तो नहीं है? नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं। पढ़े लिखे हो जी, नजदीक आई है, बोलिए क्या प्रश्न है आपका? सरकारी नौकरी चाहता हूँ गुरु जी। और कोई बात जी? पढ़ो। आप परेशान है विगत 2016 से, आप परेशान हैं विगत 2016 से, कैरियर का प्रश्न है, जॉब चाहते हैं, जॉब कामना पूर्ण हो जाएगी 2023 आठवें महीने में जॉब लगेगी, आशीर्वाद है। वो दाम कीजिए, पर्चा पढ़िए। सही है गुरु जी, यही लिखा? मूर्ख तो नहीं बन गए? यही है गुरु, मूर्ख तो नहीं बन गए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जाओ बालाजी कृपा करेंगे, पैसा हमें दियो कछु बेटा फिर। जय सीताराम। ये मंत्र है, तीन माला करनी है, हनुमान जी दया करेंगे, वर्तमान में मन आपका विचलित हो गया है, बीच में आपने विचार किया व्यापार योग के लाने भी, लेकिन जॉब की तैयारी करते रहें, जॉब योग ही है, कोई व्यापार नहीं करना है, नौकरी ही करना है तुम्हें बेटा, जाओ आशीर्वाद। बोले बागेश्वर धाम की जयकारा, लगाते रहें सब लोग। बोले सन्यासी बाबा की, श्री बालाजी सरकार की। इसके बाद जो चश्मा लगाएं, तिलक लगाएं, आप आ जाइए। हाँ पीछे वाले बैठ जाएं, स्पीड में आ जाओ थोड़ा सा। बैठ जाओ तुम भी। बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। बोल बागेश्वर बालाजी महाराज की। माइक चालू करो। बोल बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। बोलो सन्यासी बाबा की जय। नजदीक आओ ताकि पढ़ सको। कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से आए हूं। अच्छा, बगल में ही है, बोलिए क्या बात? बच्चा परेशान। क्या नाम है उसका? शिवम साहब। अच्छा, और कोई बात? और एक बेटी है। नजदीक आओ, हमने लिखा
घर में कलेश बना, बेटा अशांत रहता है, बुद्धि ठीक नहीं है, कलेश करता है, शिवम नाम है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, परेशान 4 साल से है, ठीक हो जाएगा, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। बागेश्वर महाराज जी महाराज की जय। बोलो सन्यासी बाबा की जय। यही प्रश्न लेकर आए? यही प्रश्न लेकर आए। कहूं बताओ तो ना? तो नहीं सर। राधे राधे। संगति में फंसा हुआ है और संगति के कारण घर में कलेश, बात नहीं मानता, मरने मारने की स्थिति प्रकट कर देता है। यही बात है सर। वर्तमान में अब काल तुम लड़के आए जी जी, लड़ाई करके आए हो, लड़ाई करके आए तुम वर्तमान में, गरे आओ तो के हम ठीक ना हो, भी चाहे जो कर लियो। अहु की बुद्धि बहुत विचित्र है, 3 लोग उससे गलत जुड़े हुए हैं जो गलत बुद्धि की तरफ ले जा रहे हैं, पूरा मिटाने पर लगा हुआ है, धन की हानि लगातार कर रहा है। बालाजी कृपा करेंगे, उसके साथ एक नेहा नाम की लड़की है जो उसकी बुद्धि खराब किए हुए हैं, उसका वसीकरण कटेगा, बालाजी कृपा करें, लबेरिया हट जाए, आशीर्वाद। दरबार की, हनुमान जी महाराज की, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बेटी का कैरियर शुभ रहेगा, 2 काम तुम्हारे रुक रहे वो भी पूर्ण होंगे, सिर में दर्द बनता है, सिर का दर्द भी ठीक हो जाएगा, बालक का चित्र लेकर के धाम पर पहुंच जाना, बालाजी कृपा करें, आशीर्वाद है। बोलिए बालाजी सरकार की जय। यही पूछने आए थे जी सर, गलत तो नहीं बोला? नहीं सर। तुमने कहा बताओ तो ना, तो मूर्ख तो नहीं बन गए? जाए हटा भी गए साहब, हम हटा भी हुआ जी साहब, आपकी सप्ताह हुई थी अभी जो हो, अबे कथा भाई होते तो ना बता दो तो। नहीं साहब, नहीं साहब, तेने मिल तो ना लाओ तो। नहीं साहब, नहीं साहब, लाभ रो ना बोलिए। नहीं साहब। अच्छा था, जा खुशी रहा। बोलो बागेश्वर महाराज जी महाराज की जय। बताओ अलीगढ़ एंगर हो तुम, हटा हुआ है भाई, वाह। बोलो बागेश्वर धाम की जय। देखो भाई, अगर आप झूठी हां कहेंगे तो आपके चक्कर में 1000 लोग अंधविश्वास में पड़ जाएंगे, आप अगर झूठी हां कहेंगे तो आपके चक्कर में आपको देखकर 1000 लोग अंधविश्वास में पड़ जाएंगे, इसलिए झूठी हां ना कहें। लेकिन ये आप ना कर भी नहीं सकते, आपकी क्षमता नहीं है, आप मना कर दो ये क्षमता नहीं, क्योंकि जिसके सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आप आ जाओ बहन जी, हाँ हाँ खड़ी हो खड़ी, आप बैठ जाओ आगे वाली बहन जी, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ जी, वो पीछे वाली बहन जी आ रही, आप बैठ जाओ, वो आ रहे हैं। ये कैसे हो रहा, लगाओ अपनी बुद्धि, बैठो बहन, साथ में है क्या कोई बहन आपके, कहाँ है आपके पति, अगर बुलाना चाहो आ जाओ भाई साहब, संगे भाव ने तमाम यहां पड़ी, माइक लो बहन, कहां से आई हैं आप, माइक चालू करो भाई पहले इनका। छड़गांव से, मथुरा से। मथुरा, अच्छा चलो नजदीक है, यहाँ आसपास क्षेत्र है, चलिए बस बस भाई खुश रहो। पहली बार आई क्या आप दरबार में? पहली बार दरबार में आए? हाँ। कोई दरबार में गए तो नहीं? नहीं। पहले से मिले तो नहीं हमसे? नहीं। पहले से किसी को यहाँ परेशानी बताई तो नहीं? नहीं। बताइए आपका प्रश्न क्या है? मेरी बेटी बीमार है, ये नहीं कुछ बोल पा रही है, बोल पा रही है। नजदीक आ जाओ, हमने लिखा, क्या नाम जाको? अच्छा, और कुछ बोलते हैं इसे? परी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दूसरा नाम लिखा है, तुमने वंश का बताया, हमने सोचा हो सकता हमारा पर्चा गड़बड़ हो। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परी का बीमार रहती है, पूरे शरीर में दिक्कत रहती है, चल बोल नहीं पाती, फिट की दिक्कत, ब्रेन में समस्या है। माइक लीजिए, हाँ या ना? हाँ, ब्रेन की नस में दिक्कत है, ब्रेन की नस में ब्लॉकेज बना हुआ है, परी को आराम लगेगा पर समय लगेगा, 1.5 वर्ष का आशीरवाद है। बोली बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। खून जमा, डॉक्टरी दवाई चल रही है, चलाना है,
डॉक्टरी दवाई चलाना है, डॉक्टरी दवाई के साथ साथ धाम पर जाना है, झाड़ा 5 बार लगेगा, 7 मंगलवार बालाजी को चोला चढ़वाना है, 7 मंगलवार किसी भी स्थान पर बालाजी को चोला चढ़वाना है, बालाजी कृपा करेंगे, आराम लगेगा, हनुमान जी दया करेंगे, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की जय हो। ये मंत्र है, इसकी 3 माला करनी है। पर्चा समझ आ गया, माइक लीजिए, ऐसे बात समझ आ गई, कोई संदेह, कोई भूत बाधा नहीं, जो आप पूछने आए हैं अब वो सुन लीजिए, उसका उत्तर आप पूछने आए, इस पे प्रेत बाधा या हमारे पितर तो परेशान नहीं कर रहे, माइक लो, हाँ या ना, हाँ। आप इसके लिए दरबार में आए थे मूल थया, क्योंकि दवा काम नहीं कर रही, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कोई सेंस आ नहीं रहा बॉडी में, बोल पा नहीं रही, तो आपने कई जगहों पर दिखवा भी लिया, तो कई जगहों पर भूत विद्या भी बताई गई, कई जगहों पर प्रेत परेशान कर रहे, एक जगह तो मैं देवी की हैरानी बताई, देवी का परेशानी बता करके उपाय करवाया, इस चक्कर में तुमने लगभग 44,000 से 64,000 रुपया खर्च कर दिया पूजा पाठ के चक्कर में। अब पूछने आए थे बालाजी के दरबार में कि भूत है कि नैया, कोनो प्रेत बाधा नैया, बोले बागे सरदार सरकार की, क्या यही प्रश्न था आपका? यही प्रश्न था, जाओ आशीर्वाद। ये बबू भैया पर्चा आपको, मूर्ख तो नहीं बन गए? अच्छा हाँ, चलो खुश रहो, कर जाओ, जाओ बालाजी दया करें। बोलो बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय। बेटा पेशी पूरी करने, जितनी पर्चे में लिखी उतनी पेशी करने, कोने में लिखी पेशी, नहीं तो होते पूछत जाओ, हाँ अकेले आ सकते, अगर बच्ची ना जा पाए तो बिल्कुल आप अकेले आ सकते हैं, पर पेशी करना जरूरी है, बिना पेशी के एसी ना मिले, हाँ बिल्कुल गांठ बांध लो। बागेश्वर बालाजी को जज का हनुमान कहा जाता, कौन से हनुमान जी? जज का, जज के हनुमान। आज आपकी केस की फाइल बन रही है, अब अदालत में तुम्हें शामिल होने पर है, उतने खड़ो होने पर है कटघरा में, हर मंगलवार या महीना में एक बार पेशी में हाजिर हुई हो, कटघरा में खड़े हुई हो, तो फैसला पक्ष में हुई है, नहीं तो विपक्ष में हुई है, ऊपर से गिरफ्तारी वारंट कट जाए, ये बिल्कुल गांठ बांध लो। आपकी सामर्थ्यता नहीं है करने की, मूड़ धर के पांव परो उठ के भग जाओ, कौन पीरे चावन नोई दे तुम्हें बुलाओ नोई है, बिल्कुल स्पष्ट भाषा है हमारी, देखो हम गांव के देहाती है, पढ़े लिखे नहीं है, इसे हम बिल्कुल स्पष्ट बोलाई, जो बोलाई मुंह पे बोलाई, चाहे बुराव लगे चाहे साजो, वही पूछियो जो तुम सुन सको, हमें बतावे में कौन दिक्कत नैया। बागेश्वर धाम की जय। अगला आदेश, और जो भी करत बालाजी करत, हम कछु नहीं जाने, हमारी कोई महिमा नहीं है, हमारी कोई क्षमता नहीं है, हम कुछ जानते ही नहीं, जो भी जानते हैं श्री बागेश्वर बालाजी जानते हैं, ये उनके ही चरणों की महिमा है बालाजी के। अब बहन जी आप खड़ी हो जाएं, बोले बागेश्वर धाम की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय हो, श्री बालाजी सरकार की जय हो। सभी लोग राम नाम का जप करते रहे मन में, जितना राम नाम का जप करेंगे, छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना बहन जी, बैठ जाओ। कहाँ से आई बहन जी? गाजियाबाद से। गाजियाबाद यूपी में ही है जी। यहाँ से कितना है बहन? 2 घंटे। अरे चलो नजदीक क्यों बहन, पहली बार आई आप जी दरबार में जी? बागेश्वर धाम गई जी? नहीं नहीं गई हूँ वहाँ पे। अच्छा नहीं गई, मम्मी जाती हैं, माता जी जाती हैं आपकी। अच्छा आप अर्जी लेकर आई हैं जी, पूछिए। मेरा बेटा है। क्या नाम है? आर्यन नाम है। अच्छा। एक्चुअल में इसका शाश्वत है, घर में आर्यन बोलते हैं। इसको डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, ये समझदार नहीं है, समझता नहीं है, स्कूल नहीं जाता। नजदीक आओ बहन जी, मैं चाहती हूँ कि ये नॉर्मल स्कूल जाए, ये समझदार हो जाए। यहाँ किसी को बताया तो नहीं आपने? किसी को नहीं। आप कितनी ग्रेजुएट है? मैंने एमफिल किया है पत्रिका। तो क्या आप मानती हैं बिफोर टाइम कोई लिख करके रख दे कि क्या दिक्कत है या क्या? तो भगवान जी की दया है, मैं तो आपको आपकी साइंस में नहीं, मैं हम तो हरामी बहन हम नहीं, 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 अगर आप इंसान होते तो आप बता ही नहीं पाते क्या बात। लेकिन वो बालाजी करवा रहे हैं, हमने थोड़ी बता रहे हैं, बालाजी बतवा रहे हैं। बहन आप पढ़ी लिखी हैं? हमारे पर्चे में ये आया, पढ़िए।
मंद बुद्धि का है बेटा, पितर दोष के कारण पितर हैरान कर रहे हैं, जिससे बालक पर प्रभाव पड़ा हुआ है, वह बालक मंद बुद्धि का ठीक होगा। आशीर्वाद अपने जन्म से 2 साल पीछे चल रहा है, डॉक्टरी भाषा अनुसार अपने जन्म से 2 साल पीछे चल रहा, डॉक्टरी भाषा अनुसार, इसलिए समझ व बुद्धि इसकी कमजोर है। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, तीव्र होगी बुद्धि, पढ़ेगा भी, और नॉर्मल लाइफ जैसी बच्चों की होती है वैसी होगी, पर नियम का पालन करेंगे तो आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। क्या यही है पर्चे में? माइक लीजिए आप। मैं चाहती हूँ कि ये नॉर्मल स्कूल जाए, सब सारे बच्चे नॉर्मल रहे, ये ताकि इस पे कोई हंसे नहीं, इसको कोई पागल ना बोले, कोई बात नहीं। बहन क्या पर्चा एकदम यही बोल रहा है? हाँ, पीछे तो ये बहुत पीछे चल रहा है, यही है, मंद बुद्धि है जी। बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। क्या करना होगा मुझे? अभी उपाय बताते हैं। हमारे लो भाई भाई में सिग्नल आ जाए। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। हमारे पास है वाईफाई टावर, लगो बागेश्वर धाम पे, तन से जैसे सिग्नल ही में आऊ हम उसे ही बोले। श्री बागेश्वर बालाजी की जय। सीताराम बोलो जय। जय हो। आपको घर पर 11 दिन की अखंड ज्योति जलानी है जी। समय लगेगा जी। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, 5 मंगलवार आप इसको भर लेकर जाएंगे, बाकी पेशी आप करेंगी। 5 मंगलवार में इसको झाड़ा लगना है, थोड़ा समय लेकर जाइए, वहाँ भीड़ बहुत होती है, 15,000 से 20,000 अगर आपका कोई जाता होगा तो वो बताएंगे आपको। तो समय लेकर के बहन जी जाइएगा, वहाँ पर 2 उपाय कर दे भी, बालाजी के चरणन में डाल दियो, हनुमान जी कृपा करें। पितृ दोष की मुक्ति के लिए पितृ पक्ष में आप गरुड़ पुराण का पाठ जरूर करवा लें, ठीक है? अभी तो पितृ पक्ष निकल गए हैं, आगे नेक्स्ट ईयर्स में जब आवे तो आप पितृ पक्ष में गरुड़ पुराण का पाठ करवा लें, बालाजी निश्चित रूप से कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की जय। बोलिए बागेश्वर धाम की। ये मंत्र भी लिख दिया, वहां समझ लीजिए मंत्र, समझ नितिन जी को समझ लीजिएगा। चलिए बहन, पूरे देश से सीताराम जय जय। सीताराम जय हो भैया, जय हो कक्का की जय। जय बोल दो एक बार, आर्यन जय बोलो जय। जय बागेश्वर धाम की जय। जय 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 हो भैया तुम्हारी। बोली सच्चे दरबार की हो। खूब जुग जुग जियो। बालाजी जल्दी ठीक कर दें, आशीर्वाद सन्यासी बाबा जल्दी कृपा कर दें। श्री सीताराम भगवान की जय। बागेश्वर बालाजी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय। इसके बाद आगे आदेश पुनः माताओं में से है, आप आ जाओ माता जी। नहीं, आपके पीछे जो बैठी हैं, बिल्कुल जस्ट पीछे, आप जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, आप बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। हाँ हाँ हाँ, जो भी हाथ खड़ा किया आप बैठ जाओ, आप तिलक वाली बैठ जाओ बेटा, पीछे वाली आ रही हैं। हाँ 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 हाँ, आ जाइए आ जाइए, चारों बैठ जाएं, अब बाकी बैठ जाएं, इनको भी बैठा दीजिए, दोनों माताजी को बैठा दीजिए, आप सब लोग बैठ जाएं, पीछे जो बच्चे लेके, जो बच्चा लिए हैं आप भी बैठ जाएं माताजी, पीछे जो आ रहे हैं ना बच्चे लेके, पीछे आप भी बैठ जाए, जो पीछे आ रहे हैं ना वो वाजी पीछे वाले। हरी शरणम हरी शरणम। जो हरा स्वेटर पहने हैं, हरा स्वेटर वाले आप आ जाइए, आप रुकिए माताजी, आप नहीं, अच्छा दरबार में तो सभा है, कथा में नया है, नहीं स्वार्थी है आदमी, उन्हें कथा से खा लेना, चाहे राम जी को युद्ध करवाओ चाहे रावण को। बहन ऊपर आओ, बहन माइक लें, अच्छे से बैठ जाएं। कहाँ से आई बहन जी? सिकंदराबाद से। अरे पास में ही है? 50-60 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, नजदीक ही है, छतारी बुलंद से सिकंदराबाद दिल्ली तरफ है। अच्छा बोलिए, क्या अर्जी है आपकी? सास ससुर बहुत परेशान कर, क्या हो गया?
लेकर मैं परेशानी जब से शादी हुई है तब से ही हो रही है। क्या हो जाता है? सास ससुर परेशान रात के, आप रात ही पता नहीं हैं? ये तो आप बताएंगे। अच्छा यही है, यहाँ कहाँ हैं? सास ससुर से आप रात ही के आपसे सास ससुर परेशान रहा? शायद वो लोग परेशान। अच्छा हमें लगा कि आप रात ही उनसे। चलिए और कोई प्रश्न, दो एक और लिखा है प्रश्न, तो बहुत सारे हैं। हाँ, जल्दी बोल दीजिए, कम समय में दूसरों को भी समय। हाँ, नजदीक आओ बहन। हमने लिखा आपके घर में उपद्रव मचा रहता है, माइक लीजिए, क्या यही लिखा? हाँ जी। आपके घर में उपद्रव मचा रहता, कलेश रहता, परेशान रहते हैं, 2019 से ज्यादा बढ़ गया है आपका कलेश, सास ससुर से जॉब कृपा हो जाएगी, बुद्धि अपनी शांत रखें, एक्स्ट्रा बोले ना, जॉब लग जाएगी सो अपने आप कलेश शांत हो जाए, आशीर्वाद। बोल बागेश्वर धाम की जय। इकट्ठो रहो नहीं जाता। धाम पर पहुंचना है, जॉब योग बनेगा, कलेश शांत में शांति आज ही से हुई है, तनक सो अपने वाणी पे लगाम दें उन्हें। हमारी भाषा समझ रहे हैं? जी। उत्तर का प्रतिउत्तर प्लस पॉइंट का नहीं देना है, माइनस का। हाँ बिल्कुल, अब समझ गई हमारी भाषा बहन जी आप। और हमें लगत कि अगर टेप लगा के घरे जाओ तो कलेश आज ही से शांत, कारण भी हमने बता दो निवारण भी बता दो। आप चुप रहो, उनका काम है, उनकी वृत्ति, वो पहले से ही ऐसे, ऐसा भी कह दो कोई दिक्कत नहीं, पहले से भी वो ऐसे हैं। और छोटी छोटी बातों को लेके आप त्योहारों के दिन 10-10, 15-15 दिन लगातार उपद्रव मचाते हैं, ये बहुत गलत है। फिर मरने की स्थिति कहूँ भग जाएं, फिर जो छोड़ दें, ऐसे विचारों से आप घिरे रहते हैं। हमारी भाषा समझ रहे ठीक बहन जी? तो ये बिल्कुल बंद कीजिए, इसका मूल कारण है आप खुद तनफनाती रहती हैं। अपने जबान पर लगाम दीजिए, एकदम शांत रहिए, उनका आशीर्वाद समझ करके सुनिए, जॉब की तैयारी कीजिए, तैयारी करेंगे तभी योग बनेगा, नहीं तो अभी आप जो है विगत 1.5 साल से तो विचलित हैं, 1.5 साल से कोई तैयारी आपकी स्थिरता वाली नहीं है, ना जॉब के योग की तैयारी है, इसलिए तैयारी करें। सास ससुर की गालियां आप आशीर्वाद मान करके सुनो, कलेश आज ही से शांत हुई, ये आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। एकदम सही। हाँ जाओ बहन, बुरा तो नहीं लगो बहन, हम तो ना के स्पष्ट बोल दे, खुश रहो बहन जी। सीताराम भगवान की जय। लेकिन पेशी जरूर करना बहन जी। हाँ, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की जय हो, गौ माता की जय हो। इसके बाद तुम खड़े हो भगवान, बड़े बालों वाले हनुमान जी। हाँ खड़े हो, बड़ा प्यारा स्वरूप है आपका। हाँ, धोती भी पहने हो, वाह 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 वाह। हम आपकी अर्जी नहीं लगाएंगे आपको, हम जब तक पर्चा लिख लेते हैं तब तक इस गली से आप पीछे चले जाओ, तो महिलाओं में पुरुषों में आप जिसको उठा लाओगे अपने भर को छोड़ के, उसी का पर्चा निकल आएगा। बोले बागेश्वर धाम की। नहीं जरूरी नहीं माइक की, अब इनके आधार पर दरबार चलेगा, ये जिनको उठाएंगे उनकी अर्जी लगेगी, पर ये उठाएंगे भी उसी को जिसका पर्चा हम लिख लेंगे। बोले सच्चे दरबार की जय। रुक जाओ महाराज, अभी मत उठा देना, वरना तो हो जाए कि महाराज को जो सेटिंग वाले आए। अबे जिन्हें उठा रहे हो सकत महाराज इनसे पहले मिल चुके हो या इनको बायोडाटा ले लो हो, सो बताओ हो। आप कहां से हो महाराज जी? माइक दीजिए जरा, अब दीजिए महाराज जी को। बड़ा सुंदर स्वरूप है आपका, बड़े प्यारे लग रहे हैं, आप भी फेमस हो जाओगे। हाँ संस्कार टीवी पे भी चला रहे वे हैं, और संस्कार पे भी चल रहा है महाराज, टीवी चैनल पे फ्री में जा रहे हैं आप देश विदेश में। बालाजी धाम की, तो आप भी कथा ब्यास हैं, वाह। तो महाराज जी आप यहीं के हैं? जी। छतारी के हैं? पास में गाँव है नारू। अरे वाह वाह वाह, 5 किलोमीटर है। तो ये तो जिनको हम उठा रहे थे, हो सकता था ये हमसे मिल चुके हों, ये हमारे लोग हों, हमने बैठार दिए हों। अब दरबार जो लग रहा, हम पहले पर्चा लिखेंगे, इसके बाद हमारे महाराज जी उठाएंगे। ये पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़ों में, बच्चों में, जिसको भी उठाएंगे उसी का पर्चा निकलेगा। इनकी क्षमता नहीं कि हमारे पर्चे के बाहर उठा लें।
अब ये चीज भविष्य पर निश्चित है, काहे पर भविष्य पर निश्चित है कि ये किससे उठाएंगे, पहले हम पर्चा लिखते हैं, आप यही भगवान बुरा तो नहीं लग रहा हमारा है, खड़े रहो आनंद लो दरबार का। आज के युग में भी ऐसा हो सकता है, जो कहते हैं कब भगवान दरबार ये सब कपोल कल्पना है, कोई भगवान नहीं होते, कोई दिव्य शक्तियां नहीं होती, बागेश्वर धाम के दरबार में आ जाए हम ठठरी सी बार देवी बोली बागेश्वर धाम सरकार की। आज भी भगवत कृपा है, आज भी दिव्य शक्तियां हैं, बस राम नाम जप करने वाला और उनके नियम को पालन करने वाला और गुरु परंपरा पर चलने वाला होना चाहिए, आज भी दिव्य शक्तियां हैं। सत्य दरबार की बब्बा जी ऊपर फिर रहे, अरे मालिक ऊपर न फिर नीचे आ जाओ, ये तो लिख लिया हमने पर्चा, अब ये जिसको उठाएंगे ये पर्चा उसी का, हमें भी पता नहीं किसका है, हमें भी पता नहीं किसका है, पर्चा लिख गया है, अब ये जिसे उठाएं ये उन्हीं का। भगवान आप जाइए पीछे से, हमें लगता है आपको पीछे से उठाना चाहिए, आगे वाले तो आ जाते हैं, तो आपका परिचित का ना होना चाहिए कि आप कोई अपनी यजमान को उठा दो, उनको कल्याण करवा दो, महिलाओं में पुरुषों में बूढ़ों में वृद्धों में छोटे से बच्चे में चाहे जिसे उठा दें आप उसी का पर। ये रखा पेन, ये पेन ये रख दिया, अब हनुमान जी जाने हो बालाजी जाने, लगाओ महाराज बुद्धि, महाराज ये माता जी बदलना तो नहीं है, ऐसा तो नहीं पुरुषों में से उठाना हो, अभी भी विचार कर सकते आप, अगर अभी आप बदल दो तो पर्चा अपने आप बदल जाएगा, फाइनल तो ये नहीं को पर्चा है फिर। बोली बागेश्वर धाम सरकार की, हनुमान जी महाराज की। अगर नहीं बदलना चाहते तो इन्हीं का पर्चा है, नहीं तो सीढ़ी चढ़ने के पहले भी आप बदल सकते, अभी आपके पास चांस है। अब महाराज बदलना है नहीं, इन्हीं के तो इन्हीं को आए, आ जाओ आप भी आओ भी है। माइक लीजिए, माता जी कहां से हैं आप? फरीदाबाद से आए बाबा, फरीदाबाद से, फरीदाबाद से आई हैं, यहाँ किसी को प्रश्न बताया महाराज जी को पहचानती तो नहीं हो, कथा तो नहीं करवाई आचार्य जी की? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप पूछिए क्या अर्जी है आपकी? बाबा वैसे सही, एक तो बेटा जॉब को ढूंढ लो और मेरे सबरी देह में दर्द रही। पढ़े लिखी हैं आप? आप पढ़े लिखे नजदीक आओ मैया, हमने जो लिखा महाराज जी जिनको उठाएंगे उनके मन में कुल मिलाकर के चार प्रश्न होंगे, मूलता बेटा की उन्नति, जॉब का मनोरथ, शरीर का दर्द ठीक होगा, घर पर कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की जय। सही बोली बाबा, ये हुआ है? हाँ जी। जाओ आपका जॉब का योग डेढ़ वर्ष बाद बन रहा, आशीर्वाद है। बोलो सन्यासी बाबा की जय। माताजी पूरे शरीर में दर्द रहता, शरीर में कंपन होता, पैरों में सूजन आ जाती है, आप चार साल से परेशान है, दवा काम नहीं कर रही है, शिथिल होता, त्योहारों के समय आपको ज्यादा पीड़ा बनती है। हाँ बाबा यही है, भूत बाधा का कारण है, भूत विद्या आपके शरीर पर की गई है, बीच में आपने बंधन भी करवाया, उतारा भी करवाया, मतलब मंत्र का प्रयोग करवाया, पर लाभ नहीं हुआ, आराम नहीं लगा, बागेश्वर धाम पर प्रेतराज सरकार के दरबार में पहुंचना है, बेटा की बुद्धि मंद होती जा रही, एक ये और ये प्रश्न है, बुद्धि काम नहीं करती, बालाजी कृपा करेंगे, जॉब योग बनेगा, वर्तमान में तो प्राइवेट योग है, पर तैयारी तेज करें, धाम का आशीर्वाद लें तो निश्चित पूर्ण सफलता प्राप्त होगी, सरकारी जॉब में आशीर्वाद है। बोले सतगुरु सन्यासी बाबा की, क्या ये बात एकदम सही? सही है बाबा। जाओ आशीर्वाद हनुमान जी महाराज की।
माना जा सके तो तुम चले जाओ, परंतु जाना तो पड़ेगा। मूर्ख तो नहीं बन गए तुम? माइक लीजिए। नहीं बाबा। इसमें एक मंत्र लिखा है, पांच माला करनी है, ठीक है, बुद्धि को ठीक रखना है, ठीक है, धाम की पेशी करनी है, बालाजी कृपा करेंगे, जाओ आशीर्वाद है, ठीक है। बोल बागेश्वर धाम की। अब इससे निश्चित हो गया कि कोई भी आ जाए पर्चा उसका ही निकलेगा, और यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। और आप अगर किसी का बता के बता दो एक अक्षर भी तब जाने, सो तो दांत निकाल दोगे महाराज। भैया ये महिमा आज भी बालाजी हैं, हम ये इसलिए नहीं बता रहे, आचार्य जी को इसलिए खड़ा किया, जो कहते ये कथाएं, ये दरबार, ये सब कपोल कल्पना है, उनके लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार अद्भुत है। आज भी दिव्य शक्तियां हैं जिनका प्रमाण बागेश्वर धाम के दरबार में मिलता है। बोल सच्चे दरबार की। विराज जाओ आचार्य जी। इनको जरा पीछे बैठा दीजिए, घुमा लाइएगा, बाद में आ जाइए। सीताराम कहो भैया, सीताराम कहो। जो बालक बैठा हुआ है, तुम आओ तो, चलो चलो आओ आओ, आ गए हैं आप दोनों, बैठ जाओ। वो आ रहे हैं साउंड के पास से, जो बच्चा लेकर आ रहे हैं। थोड़ा स्पीड में आइए भगवान। बोल बागेश्वर धाम की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की। अरे जयकारा तो जोर से लगाइए। कम बालाजी सरकार की। भैया ऊपर आ जाओ, माइक लो भाई। आप तो ये ब्रजरज लगाए हुए हो। बाबा की बहुत है। बाबा की बहुत? कौन बाबा है यहाँ? दूसरा भी बाबा है? वाह वाह, बहुत अच्छा। बोले बाबा की बहुत लगाए, पकड़ो। कहाँ से हो? दादरी महाराज जी। कहाँ पढ़ती है? ग्रेटर नोएडा। अच्छा अच्छा, दादरी। अच्छा हाँ, ग्रेटर नोएडा है। जी जी जी। यहाँ कैसे? महिमा सुन के महाराज जी। हमारी महिमा कहाँ? बागेश्वर बालाजी की महिमा। हमारी तो खुद की खुद पे नहीं महिमा चल रही। श्रवण सुजस सुनी आए हो। वाह, पूछो क्या अर्जी है साधु। महाराज जी, व्यापार में नुकसान होता रहता है। वाह, उसके कारण से परिवार में भी कलेश पैदा हो। कोई बात नहीं। और पढ़े लिखे हो? आपका नाम? निकुंज। पिताजी का? चेतन प्रकाश। नजदीक आई है। भक्ति बढ़ेगी वर्तमान में, ठाकुर जी की भक्ति आप चाहते हैं, व्यापार से परेशान है, कुल पूजा करें तो उन्नति होगी। आपके पिता का नाम चेतन है, कृपा चार माह बाद तेज गति के साथ व्यापार चलेगा, कलेश शांत हो जाएगा, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बड़ी अच्छी बात यह है कि आप भगत हैं। क्या पर्चा यही बोल रहा? महाराज मैंने पढ़ा नहीं। अरे पुनः पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं, हाँ कहना चाहिए, लग रहा ऐसा महाराज जी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा पढ़ो। बिल्कुल ये लिखा ना 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 ना, एक एक अक्षर पढ़ो। भक्ति बढ़ेगी जीवन में ठाकुर, इसको पकड़े रहो, इसको पकड़ के जीवन में ठाकुर भक्ति। आप व्यापार व परेशानी के कारण आपके पिता का नाम चैतन्य, कृपा होगी, आशीर्वाद है, व्यापार बढ़े, चार माह बाद बढ़ेगा। ओम रामाय नमः। बोले सच्चे दरबार की जय हो। हनुमान जी महाराज की। फिर से पढ़ लो। भक्ति बढ़ेगी जीवन में ठाकुर भक्ति। आप व्यापार परेशानी कुलदेव के कारण है। आपकी कुलदेव के कारण है? हाँ। कुलदेव के कारण है। पिता का नाम चैतन्य, कृपा होगी। हाँ। और व्यापार चार माह बाद बढ़ेगा। हमने कितने माह बाद कहा? चार माह। पिता का नाम क्या कहा? चेतन। चेतन कहा। भक्ति बढ़ेगी ये कहा? जी महाराज। व्यापार से परेशानी ये कहा? जी महाराज। कुलदेव रुष्ट है ये कहा? जी महाराज। ये पर्चा बोल रहा? जी महाराज जी। अब पढ़ लो। जी महाराज। फिर से तो नहीं पढ़ने? नहीं। जाओ तो आशीर्वाद। बोलिए सन्यासी बाबा की। बहुत अच्छा लगा आपने ये कहा कि हम पढ़ नहीं पाए। अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि इस चक्कर में कई लोग ये समझते कि हम पढ़ ही नहीं पाए हैं या कुछ भी समझे, तुरंत बोल देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सांच को आंच नहीं, जो सत्य है उसे क्या दिक्कत है। महाराज जी, मैं बैठे हुए मेरे मन में ये भाव आ रहा था कि जब आप कह रहे थे कि बाबा बैठे हैं, मैं तो मुझे लगा कि मैं मुझे बुलाया महाराज जी तो मुझे सिद्ध होगा,
और बाबा ने कृपा करके मुझे बुला लिया पहली बार में। बाबा बैठे हैं, वाह बहुत अच्छा, खुश रहो, अब तो समझ आ गया। कोई बंधन नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, ईर्षा के कारण जरूर नजर बैठी हुई है, बालाजी कृपा करेंगे। पूर्व में आपका बढ़िया चल रहा था, सन 2020 से और डाउन हो गया है, चूंकि समस्या आपकी 2018 की है, जिसमें कई लोगों के ऊपर वो ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, इस चक्कर में बर्बाद हुए हो आप। बालाजी कृपा करेंगे, 4 माह बाद तेज गति के साथ व्यापार चलेगा, कलेश शांत हो, आशीर्वाद है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मंत्र लिख दिया हमने, ना समझ में आए तो पर्चा पढ़वा लीजिए पुनः में, पेशी जरूरी है भाई साहब। अब रामायण भी सुनो, अब कथा भी सुनो, वो होगा चमत्कार होगा, अब कोई दिक्कत नहीं, सो भग लो, आशीर्वाद जाओ। बोली सच्चे दरबार की, भाग्य सदान सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, जय श्री राम। टोपी वालों की जस्ट पीछे जो बैठे, तिलक लगाए, चश्मा लगाए, प्लीज कम हियर, जल्दी आ थोड़ा। बोल बागेश्वर धाम की जय, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय, श्री बालाजी सरकार की जय हो। कहां से हैं? आओ मथुरा आते, ये मथुरा ब्रजवासी बहुत आ रहे हैं भाई आजकल, मथुरा वृंदावन दिल्ली खूब ब्रजवासी आ रहे हैं भाई, बड़े भाग्य हमारे जो ब्रजवासियों के दर्शन हो जाएं। हमारे पूज्य एक महाराज जी कहा करते थे बड़ी प्यारी बात, ब्रज में अगर एक ब्रजवासी स्वीकार कर ले तो समझना ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। बाके बिहारी लाल की, ब्रज में मलुक पीठ वाले पूज्य आचार्य जी कहा करते थे, ब्रज में एक ब्रजवासी अगर स्वीकार कर ले तो समझना श्री बांके बिहारी ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। हाँ जी, जय जय भाई, नजदीक आओ, साथ में बहन जी आ जाओ, बहन जी पूछो क्या बात है। ठाकुर के साथ दर्शन करना चाहता हूँ। वाह, और आपकी, आपको गुरु बनाकर जो मालूम मिला, आपको बहुत दिनों से गुरु मान रखा है, आपको मैंने 2 बार सपने में देख रखा है। हाँ। और आप 2 बार मेरे, आप एक अभी 8 दिन पहले तो मालूम मिला आपके चरण दबाए। वाह, चलो आज दरबार की बात दबा लियो, आप जो तो सका साकार हो सका। हनुमान जी ने जब अनन्य कृपा करी था, अनन्य कृपा कर दी। वाह वाह वाह। और एक प्रश्न, और लौकिक प्रश्न पूछो पत्नी की जॉब के बारे में। हाँ, और कोई बात? और थोड़ा बच्चा, बस थोड़ा बस। इसमें 4 प्रश्न आए हैं, काम में बाधा है, भक्ति बढ़े, तनाव कम होगा, बेटे पर कृपा होगी, उन्नति करेगा, उसकी बुद्धि विचित्र है, लड़ाई करता रहता है, बुद्धि सुधर जाएगी, कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, एक बार लिवा लाना। अरे कोई बात, हाँ हनुमान जी दया करेंगे। और भजन बढ़ाओ आप, भक्ति में उन्नति होगी और गुरु परंपरा के अंतर्गत चलो। देखो ये मार्ग बड़ा क्लिष्ट भी है और बहुत अच्छा भी है, गुरु परंपरा के अंतर्गत चलो। नहीं हम तो पागल हैं, जो भी है इनकी दया है, हमारे गुरु भगवान सन्यासी बाबा की दया है। शेष मार्गदर्शन हम आपको साधना से संबंधित वही धाम पर देंगे, आपका आगे जॉब का योग बन रहा है, दोनों बच्चों पर कृपा रहे। बेटी को एक बार गड़ा बनवा लीजिएगा, बेटी को गड़ा बनवा लीजिएगा तो जो उसका बॉडी का इम्प्रूवमेंट है वो तेज हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि पीछे चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, और बालक जो है क्रोध कम करेगा खूब बालाजी। अरे वाह भाई वाह, हट बिल्कुल बंद करो भाई, ब्रजवासी हैं ब्रजवासी, हट बंद करो, हटीले स्वभाव का है। हनुमान जी दया कर दें, आप धाम पधारो, इन बच्चों को लेकर के बालाजी के दर्शन करवाओ, और आप तैयारी बहन तेज करो, जाओ आशीर्वाद, बालाजी सफलता दे दें। बोल सच्चे दरबार की जय, सन्यासी बाबा की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। खूब भक्ति बढ़े, बालाजी ऐसी दया करें, लो जी
भैया बंदूक के ना घालो हम गरीब आदमी, खुशी जय हो भाई, खूब खुश हो बस। बाकी भाई दूर से ही प्रणाम करना है, स्पर्श करके नहीं करना भाई। दरबार के बाद तुम अपनो सपनों पूरो कर लियो, इधर से जो सपनों तो पूरो। अच्छा बाकी और ना सपनों ले आइयो, कहू के काओ के महाराज ऐसा, और ये तो सपना पूर्ण हो सकता है, इसके आगे सपना असंभव है पूर्ण होना। ब्रजवासी होते बड़े खरे हैं और बड़े प्यारे हैं आचार्य जी, ब्रजवासी खरे होते हैं, अच्छे होते हैं ब्रजवासी। ब्रज का वास मिलना बड़े भाग्य की बात है, सबको नहीं ब्रज का वास मिलता है। बहन जी आप आ जाओ जी, जी जी हाथ खड़ा किए थे जो खड़ी हो, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आपके बगल में, आपके जस्ट बगल में। नहीं इसके बाद जो लाल तिलक लगे आप आ जाओ फिर। हाँ 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 ये क्या तीन लोग आपके साथ हैं माता जी, केवल आप भर आइएगा। अरे दादा कहाँ थे, वाह भाई वाह, संस्कार टीवी चैनल की जय हो। बोले बागेश्वर धाम की जय। ऊपर आओ मैया, आपके नाम से अर्जी लगी है। और सच्चे दरबार की जय। कोई भी पूछपात गुरुदेव भगवान के स्पर्श न करें, सभी से निवेदन है। माइक लीजिए, बोलो बागेश्वर धाम की जय हो। कहाँ से आई बहन जी? हरदोई से। कहाँ पड़ता है? यूपी में, लखनऊ। ये भगवान इतना लंबा, पूरे भारत के लोग पहुंच जाते हैं दरबार में। वाह पूछो क्या बात है। कोई बात नहीं, आप माइक लें तो लोग सुन सकें कि आपने क्या पूछा जी। और कोई बात नहीं यार, अब तो चलो। इसमें दो प्रश्न आपके आए हैं, पढ़िए। बेटी पर कृपा होगी, जॉब बनेगा, शुभ मंगल योग बन जाएगा, 100% आशीर्वाद, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ठीक रहेगा, आत्माओं का वास, पूरे शरीर में जकड़न होती है जिस कारण से परेशान है, लोग आपको पीड़ित करते हैं, पीड़ित करना बंद करेंगे, आशीर्वाद है। बोलिए सद्गुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय। क्या यही बात है? हाँ सही है बिल्कुल। माइक लीजिए, सही है। किसी को यहाँ बताया तो नहीं था? नहीं, नहीं। किसी ने पूछा था? जाओ आशीर्वाद, बालाजी कृपा करेंगे, आत्माओं का वास, जो आत्मा वास है, आत्मा दोष है, वो धाम से कटेगा, बालाजी दया करेंगे, आशीर्वाद है। जकड़न है शरीर में, लोग परेशान करते हैं, अभद्र अभद्र आरोप लगाते हैं। माइक नजदीक करिए। हाँ, सही। कोई पराया नहीं, अपना लगाता है, कोई पराया नहीं है, इस कारण से हे दृष्टि से घर पर देखा जाता है। और कई जगह कई बार आपने स्थान बदलने का विचार, कई बार आपने भागने का विचार, कई बार ये सब छोड़ छाड़ के इन सब से दूर चले जाएं, इन सब का विचार आपने किया है, इन सब से बिल्कुल भी आप परेशान ना होकर के सब आज से बागेश्वर बालाजी पे छोड़ दें, उनकी बुद्धि सही होगी। बीच में आप भी विचलित थी, जो गद्दी की मर्यादा के कारण केवल एक शब्द से हमने बता दिया, अब वर्तमान में आप सही हैं, ऐसे ही चलिए, भक्ति बढ़ाइए तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आशीर्वाद है। बोली बागेश्वर धाम सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की। बात एकदम सही बहन जी, कोई संदेह नहीं, नहीं, कोई गलत ना, ना। किसी को यहाँ बताया तो नहीं पहले से? नहीं, नहीं, पहली बार दरबार में? हाँ, पहली बार आए। आशीर्वाद, जाओ बालाजी तुम्हारी रक्षा करें। बहन आप धाम पहुंच जाना, जब माता जी आवे तो धाम पे आना बहन, एक कवच हम वहां से दे देंगे, आप तैयारी तेज करो, बालाजी कृपा करें। चलो मैया, श्री सीताराम। नहीं अच्छा अच्छा, टोकन वाला कौन है भैया यहाँ पे? टोकन अच्छा उनका रह गया था, तुम्हारा टोकन रह गया था क्या? धाम का टोकन यहाँ कैसे मिला? अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, उस दिन हम थोड़ा उसमें थे, कोई बात नहीं, बैठिए कोई बात, ये दरबार तो खुला वाला है, जिनके नंबर नहीं लग पाते, कथाओं के दरबार में यही बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है, खुले दरबार में यही अच्छा लाभ मिल जाता
कि जिनको टोकन नहीं मिल पाता धाम पे एक एक साल छः छः महीने परेशान होते हुए बेचारे जाते हैं, लेकिन दरबार में अगर कथाओं में पहुंच जाते तो बालाजी एक महीना सही, दो महीना सही, तीन महीना सही, कौनू ना कौनू दरबार में तो बालाजी सुनाई ले तो कृपा कर दे। बोली बालाजी सरकार की। पर्चा बनो चर्चा भई, नियम को पालन करो, तो जो अगर आशीर्वाद दे दिया तो सूर्य भगवान पूर्व से उदित होते पश्चिम से नहीं, उसी प्रकार आशीर्वाद पर्चा भी कटने वाला नहीं है, नहीं है। ये महिमा बागेश्वर बालाजी की है। किसकी है? बालाजी की। हमारी कोई महिमा नहीं। कहाँ से आई बहन जी? नैनीताल से। नैनीताल, अरे भगवान, मुझे विदिशा भी गए थे। अच्छा, विदिशा भी आप गए? हाँ। दरबार में? हाँ। तीन दिन का लगा था दरबार? नहीं, दो दिन का लगा। हाँ, दो दिन। हर जगह दो ही दिन का लगता है दरबार। सोर नगरें वहाँ या यहाँ किसी को आपने अर्जी बताई तो नहीं? नहीं, नहीं बताई। किसी ने आपसे पूछा तो नहीं? नहीं। बोलिए, आपका विषय क्या है? सर, एक तो मैं SDM बनना चाहती हूँ, और हस्बैंड है उनके शरीर में गुठलियाँ सी हो रही है सारे शरीर में, ठीक है, और घर में सबके शरीर में, सबके शरीर में दर्द बना रहता है। जी बहन, और नजदीक आ जाओ ताकि आप पढ़ सको। परिवार में उपद्रव, सामंजस्य रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पति पर आशीर्वाद, घर पर देव बाधा गाड़ी गई, जॉब योग चाहते हैं जिसमें तैयारी तेज करें, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की जय। स्वास्थ्य उच्चाटन के कारण एक को पकड़ता, माइक लिए रहिए, स्वास्थ्य में एक को पकड़ता एक को छोड़ता, उच्चाटन के कारण सबका स्वास्थ्य खराब है विगत 3 साल से। पति के शरीर में पूरे में गांठों के साथ साथ दर्द भी असहनीय बनता है, घुटनों में भी पीड़ा बनती है, कमर व घुटनों की पीड़ा से पति बहुत ज्यादा वर्तमान में परेशान है, घर में तनाव भी बना हुआ है, तनाव का मतलब क्लेश बना है। आप 2 बार असफल हो चुके हैं, 2 बार असफल हो चुके हैं जॉब योग में, 2 बार आप असफल हो चुके हैं, 2 बार फेल हो चुके हैं। पुनः बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, SDM के पद की तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, पर आपको मध्यम वर्ग का पद प्राप्त होगा आगे जो SDM पद तक जाएगा, लेकिन तैयारी तेज कर दें। 4 माह से आप सुसुप्त अवस्था में बैठी हैं, 4 माह से तैयारी आपकी शून्य है, बिल्कुल शून्य कर दी, बीच में एक उपद्रव होने के कारण, जो बीच में एक उपद्रव हुआ था उस उपद्रव और आरोप के कारण आपने तैयारी बंद कर दी। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, यही बात है, यही सही। हाँ, अब तैयारी बंद ना करें, अगर जॉब चाहती तो पुनः चालू कर दें, अब वो आरोप दोबारा नहीं लगेगा, मोबाइल से थोड़ा सावधान रहना, आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की। हमने सूक्ष्म शब्दों में कारण और निवारण बता दिया, आप समझदार हैं, वो विषय हम खोलना नहीं चाहते दरबार की गद्दी के कारण, तो हमने बिल्कुल कम शब्दों में आपकी मर्यादा को देखते हुए आपको जो है उपाय बताया है। अगर आप चलेंगी तो कृपा होगी, नहीं तो ना हम भगवान हैं, बहन जी ना आप इतनी बड़ी बारी भक्त हैं। क्या ये बात आपने पहले से किसी को नहीं, बताई? किसी को नहीं बताई, किसी ने पूछी तो नहीं? नहीं पूछी। जाओ आशीर्वाद। इसके लिए पूछ लो। और ये देवर की फोटो, ये भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनकी अलग अर्जी लगेगी। अच्छा, लो आप लो। जी सरकार की। वाह, अरे भगवान, वाह, आप विदिशा में थी? अरे बागेश्वर धाम भी गए? अरे भगवान, लो छूना नहीं बहन, लो चलो, वाह बहुत अच्छा। तो आप कौन हैं? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, खुश रहो। हनुमान जी महाराज की, देखो पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी मूर्ख ना बने, ना बने। ये आपके लिए अद्भुतता का विषय है कि कोई बिना जाने कैसे बता सकता। लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपनी ABCD जो तुमने गलत पढ़ी हो लगाओ, अब जाने हनुमान जी ना जाने हनुमान जी। और हमारी अगर सफर फास्ट चल गई सो चल गई, अगर हमारी ट्रेन रेलगाड़ी छूट गई अगर, तो ऐसो कोनो नहीं जिन्हें करिया कर्म ना करे हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके करिया कर्म होना, करिया कर्म कोनू ना कोनू टाका हो ना, ऐसा कोई नहीं है। हमारी रेलगाड़ी छूट गई तो हम फिर रुकवे वारे भी
नैया, लेकिन गद्दी की मर्यादा, हमारा स्वभाव आपको बेइज्जत करना नहीं है, आपकी इज्जत खराब करना नहीं है, हमारा मतलब है आपको समझाना, गुरु का मतलब है आपको सुधारना। बोल सच्चे दरबार की जय। हम तो अपने आप को गुरु भी नहीं मानते, ये जो भी हैं सब संन्यासी बाबा हैं, हम तो उनकी तरफ देख ले तो भी हमें जैसी प्रेरणा दे दे सो हम बता दें। अब गुरु जी जाने, हनुमान जी जाने, बालाजी जाने, तुम जानो, गलत कहें तो टोको, लेकिन तुम टोक थोड़ी सका, चश्मा बारे जो तौलिया डाल रहे हैं, खड़े हो जाओ, तुम बहुत बब्बाजू के भगत बनाते थे, आओ बहुत भक्त बना तुम बालाजी। बोल सदगुरु संन्यासी बाबा की जय। एक दिना तो अबे दादा की लगने अर्जी ना लगा भी। वैसे भी इस बार हम ये बात बोलते हुए बड़ी प्रसन्नता है, हमारा परिवार है संस्कार टीवी चैनल, उसके जो हमारे बड़े स्नेही हैं त्यागी जी, हम यहाँ कथा में आने के पहले एक दिन वहीं दिल्ली में रुके संस्कार फिल्म सिटी में, और बड़ा आनंद आया। क्या बहन छूना नहीं, बहुत पवित्रता, शुद्धि, और उसके साथ साथ बड़ा प्यारा भाव। और बड़ी बात यह है कि हमें कौन पूछत, हम तो ना दक्षिणा देवा पाई, ना धन दे पाई, है ही नहीं, लइतनिया सुदैये का, खुद दान नहीं लई सुदैये का। पर बड़ी बात यह है, संस्कार परिवार सत्य का साथ देता है, और उन्होंने कहा महाराज जी आप जो काम कर रहे हैं वो देश का अद्भुत कार्य है, और संस्कार परिवार आपके साथ 24 घंटे है। बागेश्वर धाम की जय। कहाँ से आए? नौगांव। कहाँ पड़ता? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। छतरपुर हम आए घर से, और तुम इतने कैसे? जो तो उत्तर प्रदेश आ, 600-700 किलोमीटर चल के धाम पे क्यों नहीं गए? गए थे अभी मंगलवार को, गए थे अब 6 तारीख को टोकन वितरित हुए थे उस दिन। कितनी भीड़ थी? 30-40 हजार आदमी। हजार आदमी, तुम्हें टोकन नहीं मिलो, तुमने सोची कथा में चलो होते मिले, माइक करो नजदीक, तो तुम इतने आ गए। बताओ नौगांव बागेश्वर धाम से ज्यादा ज्यादा 30 किलोमीटर तुम मिल नहीं पाए? नहीं गुरु जी, नौगांव में हमने 4 साल पहले कथा करी थी, जब भी नहीं मिले। पहले सर जी हम परिचय नहीं थे आपसे। अच्छा पहले परिचय ना थे, अब हो गए कि जी बेई महाराज आए खतरनाक बारी। वाह, पहले हम एक बार मिले थे तो आप कह रहे थे कि लोहेड़ी में भागवत हो ना, लोहेड़ी के हैं प्रॉपरली हम। अच्छा, तो वहाँ बबलू द्विवेदी जी करा रहे थे, फिर किसी कारणवश वो कैंसिल हो गई थी। एक तो वहाँ पर एक उपद्रव हो गया था, दूसरा नज़दीक नज़दीक 2-3 कथाएं हो गई थी, तो वो कथा कैंसिल हो गई थी जानबूझ के, हमने ही निवेदन किया कि आगे करनी है, वो कैंसिल नहीं की, वहाँ पर डेटें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी इसलिए। भाई हद कर दी, तो ये तो कै दिन रुक रहे बेटा? हम गुरुजी पूरी भाव पूरी राम कथा सुन सकते। वाह 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 भाई वाह, बहुत अच्छा, ये होना चाहिए भाव। बोलो क्या बात? गुरुजी बहुत परेशान है और संतान सुख नहीं हो रहा। किसी को यहाँ बताया तो नहीं आपने? नहीं गुरुजी। किसी ने यहाँ पूछा तो नहीं आपसे? नहीं। अपने अपने टीवी स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन चल रही है क्या? हाँ टीवी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। अच्छा और कोई बात? और गुरुजी नौकरी के बारे में सोच रहे थे, कोई रोज तनाव बना रहता है, लगातार परेशान है, काम से कृपा होगी, संतान कामना पूर्ण होगी 100%, काली पूजा करें, आशीर्वाद है। बोल सच्चे दरबार की जय। बागेश्वर धाम की जय। क्या यही लिखा है? डॉक्टरी भाषा अनुसार ट्यूब दिक्कत है व शुक्राणुओं की कमी है, ये डॉक्टरी भाषा की जांच में आया है। जी, जी। जिसकी दवाई आप करवा चुके हैं फिर भी आराम नहीं लगा, धाम पर पहुंचे, पेशी करें, वहीं से औषधि मिलेगी, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। तैयारी करें, अभी ऐसा योग तो नहीं, व्यापार का योग बन रहा है आपका? अभी सर हम मोबाइल का बिजनेस करते हैं। हाँ व्यापार योग बन रहा है, जॉब का कोई योग नहीं है आपका। ये भभूति है बहन जी, काली रेशम पैर के अंगूठा से लेके सिर तक नाप की लानी है, हम गढ़ा बना देंगे, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। हमने अच्छा इसीलिए तुम्हें बुलाया था, तुम हनुमान जी के बहुत भगत बन रहे थे, मतलब वहाँ बैठे बैठे जो आदेश आया था, हमने तुम्हें माइक लिए रही है,
इसलिए तो मैं बुलाया था कि बार बार मंथन कर रहे थे कि हम भी बालाजी के भगत हैं, हम भी मालिक को मानते हैं और हमारी सुन नहीं रहा जो कही थी जी गुरु जी, यही से हमने तुम्हें बुला लो। बोले बालाजी सरकार की। तुमने कही कि हम भी बालाजी हैं, माना ही तो हमारी सुन नहीं रहा। सो बालाजी बोले भैया यार बुला ले ही भाई साहब। हाँ सो हमने बुला ला, जय आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की जय हो, गौ माता की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो। छतारी और बुलंदशहर वाले भाग्यशाली हैं, हाओ नहीं था बागेश्वर धाम पर एक एक साल में नंबर नहीं आओ। छह महीना तो आप हम बुलाओ है, नहीं बुलाया ना, नहीं बुलाया हमने, नहीं बुला, हमें तो ध्यान रहा था ना। अरे मताई उपद्रव ना कर विराजा का माता, हाओ विराजा जी जितने बैठे हैरान ही है बैठे करू नचबे नहीं आओ। हाओ विराजा हाओ सीताराम जप मताई। तो भाई बागेश्वर धाम पर छह छह महीने लग जाते, एक एक साल लग जाते हैं। आओ हाँ जिन्होंने हाथ खड़ा किया बैठ जाओ, आ जाइए आ जाइए तुरंत। दादा आप बैठो, इनको बैठा रो, वो जो शॉल लिए हाथ में। बोले सच्चे दरबार की जयकारा जोर से लगा। बोल बागेश्वर धाम की। माइक लीजिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। आप सोचो कि एक बार जाए और तुरंत चमत्कार हो जाए, असंभव है। प्रयास करिए, अर्जी लगाइए, एक बार में नहीं लग रही दो बार में। जितनी बड़ी देखो भाई, जितना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना पड़ता है उतना ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ जी ना जी, तब तुम्हें बालाजी की कृपा चाहने हो घरे बैठे मिल जाए तुम्हें, ऑनलाइन मिल जाएगी क्या? क्या तुम्हारे घर के कक्का है जो तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगी? तो बालाजी की अगर कृपा चाहिए तो पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। कहाँ से आए? प्रयागराज। प्रयागराज वाह, बात न करें, राम नाम का जाप करिए मन में। बेटा समय क्या है? बोलिए क्या बात महाराज जी। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। हाँ। दो छोटे भाई हैं उनकी नौकरी के लिए। और कोई बात? और प्रभु दो बार हम गए थे बागेश्वर धाम, जिससे हमारी जमीन का कुछ विवाद था, बिक नहीं रही थी तीन साल से, वो तो बिक गई महाराज जी। माँ एक बार ताली बजा दो भाई। तो आप तो हमसे मिल पाए थे क्या? नहीं नहीं मिल पाए। दोबारा 6 अक्टूबर को टोकन भी डाला लेकिन नाम नहीं आया। अच्छा, फिर दोबारा पेशी करने गए और फिर तीसरी बार पेशी भर में काम हो गया जी। बोलो बागेश्वर धाम की जय हो। इससे सिद्ध होता है कि महाराज जी की कोई महिमा नहीं है, बागेश्वर बालाजी की महिमा है। आप हमसे ना भी मिल पाओ, अगर धाम चले जाओ तो भी कृपा कर दें हैं। बोल बागेश्वर धाम की। भाइयों का जीवन उन्नत होगा, स्थिरता नहीं, जॉब चाहते हैं, शुभ समय 22 तारीख जून 2023 में कृपा हो जाएगी एवं माँ स्वस्थ होगी, आशीर्वाद है। बोली सत्य दरबार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सदगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी हम कोई व्यापार करना चाह रहे हैं, क्या करें? तैयारी तेज करो जी। पहले तो माता जी को लेकर के आप आइए जी, क्योंकि माता जी के पूरे शरीर में दिक्कत बन रही है, बहुत कभी सीना कभी पेट कभी कमर और घुटनों से ज्यादा वर्तमान में परेशान है, उठ बैठ नहीं पा रही हैं। डॉक्टरी भाषा में घुटना बदलने की बात कही गई जी जी, क्या ये बात है? बिल्कुल बिल्कुल महाराज। हाँ तो घुटना बदलने की बात कही गई है, घुटना बदलवाओ ना, काला लौंग का तेल लेकर के आप आ जाओ, हम विधि कर दे भी, बागेश्वर बालाजी कृपा कर दे हैं। और आप आगे चल करके पत्थर का काम मार्बल का काम डालें, इससे आपकी सफलता होगी, उन्नति होगी और 100% आप जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं व्यापार में वो प्राप्त होगा। दूसरा आपका भाव है भूत भावन महादेव की यज्ञ का और उनका स्थान बनाने का,
दोनों आपके मनोरथ 2023 के बाद पूर्ण हो जाएंगे, आशीर्वाद है। बोल सच्चे दरबार की। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हम बोल रहे, तुम बताओ ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है, यही बात है। हनुमान जी दया करेंगे, भाइयों को दर्शन करवा दो, माताजी की पैर की पीड़ा ठीक हो जाएगी। समस्या 2012 से है पर परेशानी अत्यधिक पीड़ा 2018 से बनी। जी जी महाराज, लिक्विड की कमी बताई गई, घुटना सूख गए, ये दिक्कत बताई गई, आराम लगेगा, बालाजी दया करेंगे। संतोष नाम के दुश्मन से सावधान रहें, आगे चल करके आपके ऊपर हमला करेगा, सावधान रहें, आशीर्वाद। और सच्चे दरबार की। ये अर्जी कार्ड है आपका, जो मंत्र लिखा इसकी तीन माला करनी, धाम की पेशी करनी। भैया नियम को पालन करो तो कृपा हुई है, नहीं तो हम भैया ना भगवान आए ना ते इतनो बड़ो वारो भक्त आए, आशीर्वाद। चलो भाई यहाँ से आ जाओ। तुम पागल तो नहीं बन गए, मूर्ख तो नहीं बन गए, पहले से बताओ बताओ तो ना तो का हुआ। अच्छा जाओ, आशीर्वाद। इसके बाद आप आ जाओ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो ठाकुर जी लिए जो आ रहे हैं, आप बैठिए। आओ साथ में अगर कोई हो तो भाई आ जाओ, फोटो में हम साजे आ रहे हैं, आ जाइए थोड़ा जल्दी। हाँ साजे मतलब कहा अच्छो, हमारी भाषा तनक बुंदेलखंडी है, वह हम छोड़ नहीं सके तक, ऐसे हमें और बनता ही नहीं है कछु। आजाद समझ में तो आ जात शर्मा जी, भाषा समझ आ जाती? ठठरी भरे जानत नहीं जाना? हमारे बुंदेलखंड का प्रिय शब्द है ठठरी। वाह खुश हो भाई, कहाँ से आए हो? माइक लीजिए पहले। बस 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 बहन, आप तो ठाकुर जी लिए लाओ, ठाकुर जी को हम पहले प्रणाम कर लें। जय हो, जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो। तारियो ई पागल हैं, ओल बाके बिहारी लाल की जय। आपके भगवान हैं ना भैया? कहाँ से आए हैं? बरेली। बरेली से, माइक नजदीक कर लो, बरेली से आए हैं। पहली बार आए जी? पहले कहीं दरबार में गए? नहीं पहली बार। अच्छा, तो क्या आप मानते हैं कोई पहले से लिख करके रख दे या बिल्कुल बता दे कि आप ये पूछने आए? बालाजी महाराज बता सकते हैं बस। वाह वाह, आजकल लोग भी समझदार हो गए, पहले आया करते थे कि हम नहीं मानते, अब लोग ना जब डेकाडोन को में लगाओ सो अब समझ में आम लोगों के भैया बालाजी कर सकत कृपा। बोली बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। बोलो भाई पूछो संतान के लिए और कोई बात, आओ नजदीक। आर्थिक विकास रुक रहा, रुकावटें हैं, काम धाम में स्वास्थ्य ठीक नहीं, दरबार में संतान की अर्जी लेकर आए, वैज्ञानिक पद्धति से मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। योग वैसे आपका 2 वर्ष बाद बन रहा है, डॉक्टरी भाषा अनुसार मना हो गया है, डॉक्टर जी जी डॉक्टरी भाषा अनुसार मना हो गया है, डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा है, सभी उपाय करवा लिए हैं आपने फिर भी आराम नहीं लगा, फिर भी आपको वैज्ञानिक पद्धति का संरक्षण लेना है, हम विधि करेंगे, उपाय करेंगे, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है, निश्चित रूप से संतति योग बनेगा बनेगा बनेगा, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की, बागेश्वर धाम सरकार की। समय लेकर धाम जाएं, वहां पर इस विषय की चर्चा होगी कि क्या उपाय करना है, गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ और क्या उपाय करना, दवा लेनी वैज्ञानिक पद्धति में क्या करवाना है,
जो भी होगा वो विवरण आपको धाम पर प्राप्त होगा। हम गुरु आज्ञा जब तक नहीं लेंगे तब तक आपको मार्गदर्शन नहीं देंगे इस विषय पे। जितना हमें आदेश आया हमने आपको बता दिया। मंत्र का जाप करना, तबीयत दोनों की खराब रहती है, पत्नी को अत्यधिक पीड़ा बनती है, शरीर जकड़ता है, पेट में दर्द रहता है, असहनीय पीड़ा होती, सिर भी चढ़ता है, आराम लगेगा, कृपा होगी। पहले इनको माइग्रेन की दिक्कत बनी थी, नस में दिक्कत बनी थी, अब वो पूर्णतया ठीक है, फिर भी एक ना एक अंगों में दर्द बना रहता है। कारण आप जिस स्थान पर वर्तमान में निवास कर रहे हो, एक पूर्व में भी स्थान था आपका, जी, पूर्व में आप छोड़कर आए हैं, उस स्थान का दोष लगा हुआ है, उस स्थान के दोष के कारण दिक्कत है, इसलिए शारीरिक पीड़ा है। मसान विद्या है, मसान विद्या ही परेशान कर रही है। मसान विद्या रात्रि में स्वप्न में बालक बन करके दिखता है, ठीक है, और कभी कभी नाग बन करके घर पे आता है, जी जी, ये लक्षण है, जी जी। ये तो हम बता रहे हैं, क्या ये सही है? सही, नाग यानी स्नेक सांप, बिल्कुल सही है। हाँ, अब वो काटने के लिए इसलिए दौड़ता क्योंकि वो मसान है, अब वो परेशान कर रहा। घर पर आपको हवन पद्धति करवानी है, वो विधि हमारे गुरुदेव भगवान जो प्रेरणा देंगे हम बता देंगे। योग ब्राह्मण बुला के आप करवाइए, नियम का पालन करें, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। आशीर्वाद है, जो आपका अभी का मकान है वो इलेक्ट्रिक पोल के पास में बना हुआ है, जी जी। इलेक्ट्रिक पोल निकलते ही है बाएं अंग में चार मकान छोड़ करके कुलिया गई, गली गई हुई है। आपने मकान में अंदर प्रवेश करते ही एक संत भगवान का चित्र लगा रखा, वैसे देवी को स्थान आपने घर पर दे रखा है, यही है। अलमारी में भगवती विराजमान है, उन्हें भी हम देखे आए, तुम्हारा मकान भी देख लो। आशीर्वाद बोल सच्चे दरबार की जय। पागल तो नहीं बन गए, मूर्ख तो नहीं बन गए, झूठी हाँ तो नहीं कह दी? ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा जाओ, कर जाओ, तुम्हारे घरे हो जी आरो हुए। बोल बागेश्वर धाम की। ये अद्भुतता का विषय है कि कोई यहां बैठा हो वहां कैसे पहुंच गया। अब जो हनुमान जी जाने हो तुम जानो, लगाओ बुद्धि सारे, हाओ हाओ। अरे लड़का मैंने कहूं पेन डाल दो, मिल बस एक आध दो अर्जी और कल लगा भी है, ज्यादा जितनी ज्यादा बने सो काल लगा भी। और कैसे कथा भी तो करने भैया, संस्कार पे लाई बचल चल रही, सो टाइम पे आऊ ना, नहीं तभी जो है 10 लाख रुपया ले लें और काय उनके तो 3 घंटा पूरे भय झंझट खत्म, उन्हें कोई मतलब नहीं। और हमारा बेचारा लड़का जो है मेहनत कर करके, ये शर्मा जी का बालक है, मेहनत कर करके हैरान है, दिन ना रात कही है सौ ऊँसो खूब मेहनत कर रहो बेचारो लगो है। ईसन जो है हम सोचे कि वो पूरा खर्चा ना है। अच्छा कथा में को आए, हाथ उठाइयो, झूठी ना बोलियो, स्वार्थी ना बनियो के दरबार में चमत्कार भर है आ गए, कथा को कहा करने। ऐसा नहीं, कथा भी सुनो, आनंद लो, कथा का भी आनंद लो, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध। इसी के साथ दरबार ब्राह्म शेष चर्चा कर। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे गुरुदेव भगवान, हे गुरुदेव भगवान, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हम पर अथवा हमारे घर में जो भी तंत्र बाधा, भूत बाधा, रोग संकट संकट व्याधि हो उसका हरण करो, उसका हरण करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हमारे मनोरथ पूर्ण करो, हमारे मनोरथ पूर्ण करो, हम आजीवन पर्यंत, हम आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार करो। जिन भक्तों का पर्चा नहीं बन पाता है, अर्जी नहीं लग पाती है, वो अगर इस प्रयोग को करें, लहसुन प्याज बंद रखें, मांस मदरा बंद रखें, मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ करें, तो 100% बागेश्वर बालाजी की कृपा होती है, सन्यासी बाबा की कृपा होती है, अर्जी स्वीकार 100% हो जाती है। तो जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाए हैं वो निराश ना हो, इस प्रयोग को अगर आप करें और धाम पर नहीं भी जा पा रहे हैं तो घर पर ओम बागेश्वराय
नमः इस मंत्र का जाप शुरू कर दें। मंगलवार को 5 आहुति प्रारंभ कर दें और बीच बीच में 1 महीने में 2 महीने में मंगल की पेशी कर दें। धाम एक ऐसा है जहाँ स्वयंभू साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं और पूज्यपाद सन्यासी बाबा के पास 46,000 सेना है जो आज के कलयुग जैसे युग में भागते दौड़ते जीवन में साइंस के जमाने में बड़े बड़े बुद्धिमानों को अपनी कृपा से चमत्कार से नतमस्तक किए हुए हैं। ऐसा दिव्य दरबार श्री बालाजी का है। तो जो नहीं भी जा पा रहे, पर्चा नहीं भी बन पा रहा, वो इस प्रयोग को करें। और जो धाम पर जा रहे, टोकन नहीं मिल पा रहा, तो अभी तो दरबार धाम पे बहुत कम लगना है, तो जहाँ कथाएँ चल रही हैं वहाँ भी आप पहुँच सकते, पर वहाँ पक्का नहीं है, तय नहीं है कि अर्जी लगेगी, वहाँ है हनुमान जी के ऊपर, तो आपकी इतनी क्षमता हो तो पहुँच सकते हैं, नहीं है क्षमता तो कोई दिक्कत नहीं, आप दरबार में धाम पर ही जाएं, महिमा धाम की है। जो भी प्रश्न लेकर बैठे थे, मन ही मन 3 बार अपने प्रश्न को दोहराएं। ओम ओम ओम। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। अब अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करना है। हाँ, 7 बार करो करो करो। ऐसा करने से आपके बॉडी की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सनई सनई खत्म हो जाती है। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करना है 7 बार, ऐसे एंटी क्लॉक में। और इसे भी आप बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दें। ऐसा करने से आपके चक्रीय विधान खुलता है, विवेक तीव्र होता है। इसके बाद दोनों हाथ उठाइए, बड़े भाव के साथ बोलिए, बागेश्वर धाम की जय हो। पूज्यपाद सतगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय हो। दिव्य दरबार की जय हो। गौ माता की जय हो। रामचरितमानस भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अपने अपने मताई बाप की जय हो। छतारी नगर वासियों की जय हो। छतारी के सभी वासियों की जय हो। इस नगर वासियों की जय हो। कथा आयोजन के परिवारजनों की जय हो। कथा आयोजन करवाने वालों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल पुनः दरबार लगेगा। कल आप लोग लाल रंग का कपड़ा और नारियल लेकर आ सकते हैं। जिन भक्तों की अर्जी नहीं लगेगी उन्हें एक ऐसा मंत्र बता देंगे, एक ऐसी विधि बतला देंगे कि आप वह विधि करेंगे तो जीवन में आपको किसी भी दरबार में नहीं भटकना पड़ेगा, घर पर ही कृपा हो जाएगी। और अगर आप लक्ष्मी से परेशान हैं तो एक एक तांबे का सिक्का लेकर के आएंगे, एक एक तांबे का सिक्का लेकर के आएंगे। उसके लिए लक्ष्मी कवच हम आपका कल ब्राह्मणों द्वारा श्री सूक्तम का पाठ करवा करके, अभिमंत्रित करवा करके बनवा देंगे। इससे आप घर पर बागेश्वर बालाजी का चित्र रखें और बालाजी के सामने वह नारियल वह सिक्का रखें। निश्चित रूप से एक वर्ष में आप अपने जीवन का, आर्थिक का, भक्ति का इम्प्रूवमेंट यानी विकास स्वाभाविक देखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और गद्दी से ये आशीर्वाद भी है, बोल सच्चे दरबार की। 9 दिन की राम कथा है, हम अभी यहाँ 9 दिन तक रहेंगे। राम कथा को अवश्य श्रवण करें। जीवन में कई प्रश्नों के उत्तर राम कथा से प्राप्त होते हैं। संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका प्रति उत्तर रामचरितमानस में ना हो। सभी प्रश्नों का उत्तर रामचरितमानस में है, तो आप रामचरितमानस को अवश्य श्रवण करें। और एक बात, विशेष निवेदन, कोई भी स्पर्श नहीं करेगा हमें। हमारे कुछ नियम हैं, हमारी कुछ साधनाएं हैं, हमारी कुछ गुरु आदेश है, उन्हें हमें पालन करने दीजिए। कृपा करके आप स्पर्श ना करें, प्रणाम दूर से करें, राम राम करें। और महिमा बालाजी की है तो आप बालाजी को प्रणाम करें। 4 बजे रामकथा श्रवण करें। जय श्री राम।